इंदौर में मध्य प्रदेश के सभी एग्रो केमिकल संबंधित व्यापारी एवं मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का गठन हुआ। इस दौरान वर्तमान परिवेश में कृषि विभाग एवं व्यापारियों के बीच मची हुई उथल पुथल को देखते हुए व्यापारियों द्वारा चर्चा की गई कि बीते दिन हुए आयोजन में सभी व्यापारियों ने इस बिंदु पर विचार विमर्श किया जो एसोसिएशन के द्वारा किया जाना चाहिए। कृषि विभाग द्वारा जारी अवैध वसूली से व्यापारियों में भय का माहौल बना हुआ है। इसमें समय समय पर अवगत किए जाने वाली जानकारी का अभाव भी कारण बन रहा है। इस दौरान एसोसिएशन के संयोजक प्रकाश सोनी के अनुसार एक प्लेटफार्म पर सभी सारे व्यापारी इकट्ठे होंगे तो ही एसोसिएशन के उत्तरदायित्व बढ़ेंगे। इस दौरान और भी कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इंदौर से सतीश शर्मा के साथ ब्यूरो राकेश सच्चे की रिपोर्ट। पोटेशियम कैल्शियम नाइट्रेट वाटर सोल्युबल जितने भी हैं, तो देखिए सर, हम आत्मनिर्भर बनेंगे कब, जब हमारा एक संगठन होगा, उसका एक विजन होगा। मोदी जी तो बोल के हर गए कि भैया मेक इन इंडिया करो, आत्मनिर्भर करो। ये रिश्वतखोर अपने को बनने देंगे आत्मनिर्भर, मेक इन इंडिया करने देंगे अपने को। उसके लिए भी आप बना दिया। हाँ देखिए, अब आत्मनिर्भर अपने को बनना पड़ेगा। अगर अपन कुछ बड़ा करना चाहते, बहुत सारे लोग हैं, मैंने आज बड़ा बड़ा कुछ दुख हुआ, दो तीन लोगों की बात सुन के कि कोई फैक्ट्री अपनी वहां ले गए, क्या बोलते हैं, शराबा बड़वा कौन ले गए भैया हमारे, हाँ ले गए हमारे राजेश भाई निवास ले गए, और भैया पता नहीं कहाँ कहाँ, ऐसे करके सब लोग चले जाएंगे सर। एक दिन ऐसा होगा कि सब यहाँ से चले जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं होने देना। अपन अपने घर गाँव छोड़ के आए, यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, बंद करके चले जाएंगे सब, तो ये भी ठीक नहीं है। और ना बंद करके किसी को जाने की जरूरत है, अपन संगठित होंगे और बढ़िया काम करेंगे सर। मेरा आपसे प्रॉमिस है कि मैं इसको आगे तक बढ़ाऊंगा, जितना बढ़ा सकता हूँ, बगैर किसी स्वार्थ के और बगैर किसी पद के। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी की जा रही है अधिकारियों के द्वारा जो भी यहाँ पे आ रहे हैं। सुनने में आ रहा कि बहुत पैसे दे के आ रहे हैं, तो सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेबल हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या मांग करना चाहते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम ये मांग करना चाहते हैं, और हमने हमारी मीटिंग में ये डिसाइड किया है कि भाई एक निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी, एक निर्णायक यहाँ पे डिसीजन लिए गए हैं कि जिससे हमारे आगे चल के हमारे व्यापारियों को परेशानी ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम करना चाहते हैं। मेरा कृषि विभाग से किस तरह से मतलब परेशान करते हैं सर अधिकारी, थोड़ा सा बताना चाहेंगे? सर बहुत सारे नियमों का हवाला देकर कि आप ये नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप ये नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं, जबकि हम लोग सर कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम नियम फॉलो किए जाएं, जो भी एज पर लॉ होते हैं, एज पर गवर्नमेंट रूल जो भी हैं वो हम सभी फॉलो करने की तैयारी में रहते हैं। और सारे हमारे व्यापारी जो हैं, बहुत जितने लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, बहुत अच्छा काम करते हैं सर। और कृषि विभाग से हम ये चाहते हैं कि भाई किसी तरह के सेमिनार या ऐसे कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करें कि जिससे हमारे को और अच्छा आप बता सके कि हम किस तरीके से और अच्छा काम कर सकते हैं। सारे नियमों की नियमावली हमको दी जाए, किस तरीके से आपको काम करना है। सर एमपी में कहाँ कहाँ किस किस शहर से आज यहाँ पर व्यापारी और क्या निर्णय? सर अभी तो यहाँ पे इंदौर, धार और देवास जिले के 100 व्यापारी से ऊपर यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, और निर्णय यही हुआ है कि सबसे पहले प्रॉपर तरीके से कमेटी अपना एसोसिएशन का गठन किया जाए, और कमेटी एसोसिएशन किस तरीके से काम करेगा इस पर भी हमारी चर्चा हुई है। सर कोरोना काल भी चल रहा था, कोरोना काल चल रहा था सर, इसके बावजूद एग्रोकेमिकल के जितने व्यापारी हैं इन्होंने जी जान अपनी जान को दांव पे लगाकर किसानों को बीज खाद दवाई उपलब्ध कराए हैं। इसके बावजूद अगर सर इस तरीके से अगर कोई घटनाएं अपने इंदौर में घट रही हैं जो घटनी नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम थोड़ा सा जो भी यहाँ पर अथॉरिटीज़ हैं, जो भी हमारे ऊपर जो लोग देखने वाले हैं, उनके माध्यम से बस एक संदेश देना चाहता हूँ कि सभी हमारी परेशानी को समझें, हमारी पीड़ा को समझें, और आगे हमारे को अच्छा काम करने दिया जाए। आपका परिचय? मेरा नाम सर प्रकाश सोनी है और मैं इस एसोसिएशन का संयोजक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।